हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम देखेंगे एकदम अनोखा सैंडविच। इसे हम बनाएंगे खाकरे के साथ। मैंने यहाँ पर लिया है मेथी खाकरा। आप नॉर्मल खाकरा, स्पाइसी खाकरा, कोई भी खाकरा यूज कर सकते हो। इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से हमें ग्रीन चटनी स्प्रेड करके लेनी है, एकदम पतली सी। आप चाहो तो टोमेटो सॉस भी स्प्रेड करके ले सकते हो। और जो हमारे पतले हुए पीसेस है ककुम्बर के, उसे इनके ऊपर स्प्रेड करके लेना है इस तरह से। इसे एकदम पतला पतला कट करके लेना है। अब इसके ऊपर जाएगा एकदम पतला कटा हुआ टोमेटो। आप सोचेंगे कि खाकरे के साथ सैंडविच या खाकरा तो कितना करारा होता है, वो टूट सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप उसके ऊपर चटनी या सॉस अप्लाई करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अब मैंने इसके ऊपर अनियन भी रख के लिया है और बॉइल किए हुए आलू के मैंने यहाँ पर स्लाइस बनाए हैं, वो भी इसके ऊपर रख देंगे। जैसा हम कच्चा वाला वेजीज का सैंडविच बनाते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर वेजीज डाल सकते हो। आप चाहो तो इनको सबको बारीक कट करके भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है चाट मसाला। आप चाहो तो सैंडविच और बर्गर वाला मसाला भी डाल सकते हो। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी स्प्रेड आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चाट मसाला और सैंडविच मसाले का इस्तेमाल किया है। अब दूसरा हम इसके ऊपर डालेंगे एकदम ग्रेट किया हुआ चीज। अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। इसकी जगह पर हरा धनिया और सेव भी आप डाल सकते हो। अच्छे से चीज को इसके ऊपर ग्रेट करके लेना है। इसके ऊपर जाएंगे अब चिली फ्लेक्स, बढ़िया सा इसका स्पाइसी टेस्ट लाने के लिए। और ऊपर से मैंने यहाँ पर लगाया है हमारा टोमेटो सॉस। आप चाहो तो इसके ऊपर शेजवान सॉस भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा प्रेस करके लेना है, आधे मिनट के लिए रेस्ट करनी है क्योंकि ऊपर वाला खाकरा भी सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद इसे बढ़िया से कट करके लेना है। दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन एकदम आसान है बनाने में। आप देख सकते हो एकदम टैकोज टाइप क्रिस्पी आपका सैंडविच बन के रेडी होता है और बहुत ही टेस्ट में बढ़िया लगता है। रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें, कमेंट करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।